पूरा हैला किंग कोहली का प्रतिशोध। भारतीय दलर पूर्वतन अधिनायक विराट कोहली सिलेक्शन कमिटी ठारू नेइछंती प्रतिशोध। ठीक वर्षे तले विराट कोहली को भारतीय दलर अधिनायक पदर कढ़ा जाइथिले। कोहली टेस्ट दलर अधिनायक पदर ओहरी जाइथिबा बेले दिनिकिया एवं टी20 अधिनायक पदर तांकु बरखास्त करा जाइथिला एवं रोहित शर्मा को दिया जाइथिला अधिनायक दायित्व। से समय चयन कमिटी एवं बीसीसीआई मुख्य रही सौरभ गांगुली नहींथिले एभली एक निष्पत्ति। एही निष्पत्ति को नहीं से समय मध्य अनेक विवादर सूत्रपात होता तेबे परवर्ती समय रे उक्त विवाद थमी जाइथिला। मात्र चलित टी20 विश्वकप सेमिफाइनल रु भारत विदाय नेबा परे एहार समस्त दोष चयन कमिटी मुंड ऊपर लदि दिया जाइछि। आ संपूर्ण चयन कमिटी को बीसीसीआई करिछि सस्पेंड। चेतन शर्मा को नेतृत्व रे रहिथिबा पांच जणिया चयन कमिटी को नवंबर 18 तारिख रे बीसीसीआई निलंबित करिछि। संजोगर कथा है कि जे नवंबर 18, 2021 रे समान चयन कमिटी कोहली को बाद दे रोहित को अधिनायक भाव घोषणा करथिला। बीसीसीआई रो एमिति निष्पत्ति परे किछि फैन माने सोशल मीडिया रे मध्य चयन कमिटी एवं पूर्वतन अधिनायक सौरभ गांगुली को ट्रोल करिवार लागिछंती। कोहली वर्तमान निज कैरियर रो श्रेष्ठ फॉर्म रे रहिछंती। चलित टी20 विश्वकप रे कोहली सर्वाधिक स्कोरर रहिथिबा बेले फॉर्म को फेरिछंती। आ कोहली फॉर्म को फेरिबा सहित गांगुली मध्य बीसीसीआई सभापति पदर विदा होती आउ चयन कमिटी को बीसीसीआई करिछि सस्पेंड। टी20 विश्वकप पराजय पर बीसीसीआई यही कमिटी को भांगी देछि। चेतन शर्मा सहित हरविंदर सिंह सुनील जोशी एवं देवाशीष महांती यही कमिटी सदस्य रही थे। बीसीसीआई पक्षर चयन कमिटी को भंगाजा सहित नूतन चयन कमिटी आप्लिकेसन आवेदन कर। आज एपिसोड टी केमती लगला कमेंट मध्यम जनवा को अनुरोध। स्पोर्ट्स संबंधी अधिक अपडेट पाएं आज ही आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ।